हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मौसम जो है, कल रात ना अलर्ट बताया था कि 30 को जो है अलर्ट होगा रात में 24 घंटे के अंदर कभी भी उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी थोड़ा बादल बादल से लगे हैं, लेकिन बढ़िया है मौसम। अभी जो है मैं पॉली को घुमा के ला गई हूँ, और इधर साइड वाला जो बेल है ना हमारा, वो जो आप देख रहे हो, तो उसमें पीछे साइड लगे हुए थे करेले। तो मैंने कहा उधर साइड इतना पहुंचना होता नहीं है, तो इसको आजकल घुमाती हूँ बगल वाले खेत में, तो मैं तोड़ के लाई दो। और बाकी अंदर साइड है अपना, बेल बहुत बड़ी है तो इसको ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा घना हो जाता है और मेरे को डर भी लगती है। तो ऐसा कुछ हो रखा है, सूरज भी मतलब आ रखा है और बादल से भी लग रखे हैं, और हल्की फुल्की हवा भी चल रही किसी किसी टाइम, तो बढ़िया हो रहा है। तो अभी देखो इसके ना सारे ये ऐसे बढ़ रहे हैं फटाफट, रातों रात इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं पौधे के, जो आगे की कलियां होती है ना, तो हर जगह से ही बढ़ रही हैं। इस वजह से मैं सोच रही थी कि इनको थोड़ा अंदर को कर दूंगी तो यहीं पे घुमाने हैं। मम्मी कह रही थी कि इसको इसी एरिया पे रखना, मतलब बाहर की ओर मत जाने देना, फिर वो बहुत लंबे हो जाएंगे इसके तने, और अभी ये धीरे धीरे तक घना हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा करेले कहाँ लग रहे। और ये देखो एक और लगा हुआ है, ये भी हो ही गया लगभग, लेकिन अभी अंदर है तो अभी नहीं तोड़ूंगी इसको, थोड़ा सा और होने दूंगी। और हो ही रहे हैं मतलब। और ये देखो एक ये है, एक ये है, कहाँ गया ये। और रेलिंग के अंदर साइड भी कर रखे हैं मैंने कुछ कुछ, एक वो रहा वो। तो काफ़ी हो रहे हैं इसमें अच्छे से, और एक ये रहा बीच में, दिख भी नहीं रहा ना, सब ग्रीन ग्रीन है एकदम। और इसको देखो, ये थोड़ी भी आवाज़ आती नहीं है या खुशबू आती है, इसको एकदम से स्कूटी पे चढ़ जाता है। इसको हमेशा स्कूटी चाहिए होती है यहाँ पे, ताकि ये बाहर ताका झाकी कर सके। अपना मस्त बाहर घूम के आ गया है अब, लेकिन इधर उधर से इसको आवाज़ आई तो इसने देखना है कि भाई क्या चल रहा है बाहर। तो थैंक गॉड कि तूफान वगैरह तो कुछ आया नहीं। मैं सोच रही थी अगर बहुत तेज आएगा तो फिर से वैसा ही हो जाएगा, आगे पूरा साफ वाफ करना। तो अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ, छोटे छोटे से दो प्यारे प्यारे से फ्लावर आने वाले हैं इसमें गुड़हल के। आई होप कि ये दोनों साथ में आ जाएं, लेकिन लग रहा है कि ये वाला जल्दी खिल जाएगा जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और एक चींटी मैडम भी घूम रही है इस पर, बिल्कुल शर्म नहीं है चींटी को, मस्त घूमने में लगी है इसमें। ये देखो पूरी फैमिली लेके आई है अपनी, ये देखो बदतमीज। और जो ये वाला फूल है ना, इसमें तो भाई साहब जितनी चींटियाँ हैं ना, सबका घर है इसमें, घर। दिन बनाने नहीं देगा वीडियो, बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखो इसमें इतनी चींटियां रहती हैं, इतनी चींटियां हमेशा घूमती रहती हैं। और मुझे समझ भी नहीं आता इसके जो ऐसे दाने दाने जैसे हो रखे हैं पेड़ को, मतलब छोटे पौधे को, ये पता नहीं इसी के हैं या अब जाके कोई रोग हो गया इसको, मुझे समझ नहीं आता ये चीज। देखो बेचारा सूख गया, उसमें तक चींटी घूम रही है, और इन चींटियों को कोई शर्म ही नहीं है भाई, इन्होंने पूरे फूलों की ना ऐसी तैसी कर दी है। बेचारा ये सूख गया है पूरा ना वाला फूल, तो मैं इनको उखाड़ के यहीं पे डाल देती हूँ नीचे पे, ताकि ये यहीं से दोबारा जन्म ले। और फिर से अपना यहाँ पे परिवार बनाए ऐसे करके। तो ये जो जो मुरझा गए हैं उनको तोड़ के यहीं पे दान कर दो। तुम हंसने परी तुम जाने जहां, तुम काली परी तुम कितनी हसी। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और दुनिया के हर दुख से बेखबर यहाँ दो चींटियाँ खेल रही हैं, छुपन छुपाई और झूला एक साथ, पता नहीं ये इनका अनोखा गेम है। ये देखो पहली वाली भाग गई है मौका देख के, और दूसरी वाली उसी फूल की टहनी में इसको ढूंढते हुए। तो अब हम बनाएंगे चाय। चाय पत्ती के बाद चाय मसाला।
तो हमारी चाय रेडी है। लो, एक तुम्हारी एक मेरी। कौन है, कौन है बोलू बार? बॉय। हाँ, लोमड़ी कहीं का किसा ध्यान लगा रखा है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी ना बहुत ज़्यादा तेज धूप हो रही है, तो मैं सोचूं बाहर पे थोड़ा पानी डाल दूँ और बोल लिया महाराज जब तक खाना वहाँ पे रखा था इसने नहीं खाया। फिर जैसे मैंने पाइप निकाला तो ये ना नीचे नहीं बैठता, फिर पानी देख के ऊपर छुप जाता है, तो यहाँ पे बैठा और बगल में मैंने इसे भीगेगा करके खाना वा रखा, तो मेरे बाहर आने तक इसने सारा चट करा है। वेरी चालाक है, वेरी चालाक, और ऊंग भी रहा है ऊपर से। चालाकी है, चालाकी देखो, चालाकी सारा बर्तन साफ है और सीधा बनना देखो जैसे कुछ खाया ही नहीं है, है? हलो, अभी भी मुई चाटने में हो। तो ये हो रही है धूप एकदम तेज, तो थोड़ा सा बरामदा गीला हो जाएगा और जो है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक रहेगी और पौधों को भी पानी देना ही होता है, तो इसको अब मैं हाइपरलैप्स में सेट कर दूंगी और उसके बाद काम करूंगी। मी एंड माय पोलू, पोलू। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard. तो सारा पानी डाल दिया है फूलों में और बरामदा भी धो दिया है। पल्ले महाराज जैसे जैसे सूखता रहा वैसे वैसे शिफ्ट हो गया, पहले उधर बैठा था और अब इधर आ गया। खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर में मस्त नींद निकालेगा ये, है ना बोलू, है ना? अभी ऊँग रहा है, तो देखो पानी डालते ही सूखने भी लग गया है अभी मैंने, जबकि वाइपर भी नहीं चलाया है। तो धूप तेज हो रही, लेकिन आज ना बहुत बढ़िया सी हवा भी चल रही है, तो मतलब अच्छा हो रहा है मौसम, ऐसा बहुत चटक वाला गर्मी नहीं हो रही है, तो बढ़िया हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा अंदर काम करती हूँ अपना, क्योंकि बर्तन वगैरह तो सब हो गए, पानी भी डाल दिया है, फोन का थोड़ा स्पेस भी खाली करना है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। पाली बोली 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 अभी बज रहे हैं 6:15 और मैं ले गई हूँ पॉली को घुमाने के लिए। अभी तो यहीं पे मटरा रहा है घर के आसपास। चलो, हाँ आज उधर को नहीं जाना है, आज इधर को जाना है इसने। अभी पॉल्या और मैं घूम के आ चुके हैं, मस्त रेस्ट कर रहा है पलू। ओ पलू, तो मैं ऐसे ही ना यहाँ पे ऐसे देख रही थी मम्मी से बात करते हुए फ़ोन पे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने देखा और जो मैं सोच रही हूँ वो सच में वही है या नहीं है। जैसे ये निकला है ना, इसका साइड से मतलब फ्लावर जैसा ही लग रहा है वो, क्योंकि लीव्स भी इसकी ना पत्तियों से ही निकलती हैं, मतलब ऐसे जॉइंट होती हैं एक दूसरे से। तो अगर ये फ्लावर है तो ये काफ़ी आ रहे हैं, लगभग 8-10 मैंने गिन लिए हैं, और अगर ये फ्लावर नहीं है तो फिर ये पत्तियाँ ही हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी निकल रहे हैं, तो अब ये थोड़े बड़े होंगे ना फिर मैं बताऊँगी। अभी तो वैसे ही लग रहा है कि ये वही है और मुझे इतना आइडिया नहीं है, देखते हैं अगर ये वही है तो सोचो 8-10 इसमें और आ रहे हैं।
और ये इतने टाइम बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। यूहू। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब धूप थी सुबह से, लेकिन जो साथ में हवा होती है ना वो भी। और पीछे देखो पालू 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 अभी घूम के आया है मस्त, इधर से उधर ताईजी लोग के वहां से इधर तक पूरा खेत पे। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanted बाहर घूमने के बाद एक्सरसाइज खुजली लग रही ना, मजा आ रहा है मजा पोलिया फिर पानी बहुत बिगड़ गया है बहुत, फिर क्या है वो हड्डी है वो है हड्डी है वो चबा रहा है जो जहलो बोल फिर ये फोन आ गया इसे मत काटना तो मेरे क्या चल रहा है बोलो ये हथियार आया है नया मार्केट में अब करेंगे इन कीटाणु का नाश। तो हमने ऐसे मतलब YouTube में देखा था कि इसमें ना चीटियां और वाइट वाले कीड़े लगे हैं, तो उसके लिए सर्प का पानी आप यूज़ कर सकते हैं उनको भगाने के लिए। हम ये भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, अगर ये क्या कहते हैं इसको हमारी गुड़ल खिल नहीं पा रही। हाँ पता है पे दो करके थे ना यहाँ पे, वो बेचारा सुबह खुद ही खुद गिर गया। तो अभी देखते हैं अगर ये मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको सर्प का या कोई भी कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट लेके उसको मस्त स्प्रे करना है ऊपर नीचे पत्तियों में, तो आराम से जो है चींटियां या कीड़े जो भी लगे हैं वो भगा देगा। तो उसमें बता रहे थे कि काफ़ी रीज़न होते हैं, कभी क्या होता है कि तुम्हें पौधे को खाद नहीं मिलती उस वजह से भी होता है, लेकिन अब हमारा तो खाद वाद तो प्रॉपर मिल ही रही है, उनको गोबर अच्छे से डाला हुआ है, लेकिन देखते हैं इससे, क्योंकि चींटियां बहुत हो रही हैं इनमें। उस वाले गुड़हल में तो डाला ही नहीं, व्हाइट कलर की दिखा दे। हाँ हाँ व्हाइट वाली भी हैं ये, इसमें लगे थे, इसमें देखे थे मैंने। ये देखो ये व्हाइट है जो बीच में दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ और उसी में तो चींटियां लगी हैं, फिर देख रहे हो। अरे तो वही तो असली कीड़ा है। हाँ उसकी वजह से कमजोर हो रहा है वो पूरा, उसकी वजह से वाला खिल नहीं पा रहा है वो बेचारा, पहले टूट जा रहा है। हाँ इसमें आराम से करना, डब वो वाला करो जिससे थोड़ा स्प्रे करके आता है, कुछ नहीं होता अब। क्या पता फिर थोड़ा झाग की वजह से हो रहा हो ना। हाँ तो ना इस वाले में देखा था मैंने, तो इसमें भाई साहब इतना पूरा वाइट वाइट करा था, ये जो दाने दाने दिख रहे हैं ना इसको पूरा जाल जैसी बनाई थी इसमें वाइट। तो ये अब ये है ना ये वाइट। हाँ ये खिलने से पहले ही टूट जा रहे हैं। तो अब हमें इलाज मिल चुका है कीड़े भगाने का, पता चलेगा। अब तो वीडियो में ऐसे था कि अगर आप हफ्ते में दो बार ऐसे स्प्रे कर देते हो तो कीड़ा वीड़ा लगा है तो ख़त्म हो जाएगा, और जो फ्लावर है वो इतना वीक नहीं रहेगा और गिरेगा नहीं। तो हम लोग अब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो आपको इसका शेयर करेंगे, फिर आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। गाइस हमें कीड़ा मिल गया है, उड़ गया वो हमारी होप नष्ट कर रहे हैं। छुपा है फिर नीचे चले गया, तो घास ही जैसा है ना वो, अब तो दिख ही नहीं रहा, उड़ गया उधर को। खाते हैं ना सबसे तेजी से खाते हैं। डांटने लगे बहुत सब, मेरे पोलिया को परेशान किया जा रहा है पोलिया छेड़े तुझे। हाँ कम कर दो उसे। हाँ कहाँ
देखो पहले इस टाइम व्हाइट व्हाइट था, ऊपर का व्हाइट व्हाइट हट गया है। हाँ। ये ऐसे दाने ऐसे तो इसमें बहुत ही दाने हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे पता नहीं था, मेरे को मतलब इतना याद नहीं कि हमने जब शिफ्ट किया था इसको, मतलब यहाँ पे लाए थे, बहुत हो रहे हैं ऐसे दाने। यही तो पता नहीं चल रहा है फिर ये दाने इसी के हैं या इसने कीड़ा खा रहा है इनको, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, सर्फ डाला है, हो सकता है। क्या पता इन दानों के अंदर इसका घर हो ना। हाँ, इनके अंदर अंडे हो सकते हैं ना। हाँ, फिर तो इसने पूरा घर बसा रखा है इधर अगर ऐसा। ये देखो चींटियां भी आई हाई स्विमिंग पूल में गई हैं, जैसे वैसे तैर रही हैं, और इतने दाने हो रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि ये इसी प्लांट के हैं, मतलब इसमें होते हैं नॉर्मली, या फिर ये यही हैं वो वाइट कीड़े जो वाइट वाइट लग रहा है ना इसमें, देखो। हाँ, वीडियो मत शूट करने देना तू। ये देखो कैसा हो रखा है। मतलब फूल आने वाला है कुछ टाइम बाद, अभी तो टाइम लगेगा, और लेकिन इसमें ऐसे दाने दाने बहुत हो रहे हैं। जिसको पता है कि ये होता है नॉर्मली या यही कीड़ा है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि हमको तो नहीं पता है। हम तो अभी एक्सपेरिमेंट किया इसमें स्प्रे करके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर यही रीज़न है इसका ख़राब होने का। क्या अच्छी करेगा एकदम से भी। उनका कहना माने मैं करूंगी तो मेरे लिए कैसे आता है पलू। आंखें देखो इसकी कैसे चमक रही है लाइट में। A few moments later. डिनर की प्लेट कैसे सजाई जाती है, और आज आया है पॉली का फूड। इसको भाई उसने दो लेके आए थे ये, और इतना डिग्गी के अंदर छुपाया था, और वो तब से सूंघ रहा था, इसको पता है इतना सूंघ दिया उसने, क्या बताऊं। तो अब इसके लिए भिगा रखा है हमने ये है, और तब से वो डेली में बैठा था, थोड़ा दे भी दिया है सूखा वाला, अभी खाने में मिलाऊंगी फिर खाएगा मस्त। भाई साफ, यहाँ की कलाकारी खत्म नहीं हो रही इनकी। तो बन गई लौकी की सब्जी, अब इसको अच्छे से पुचका पुचकू के बराबर करती हूँ मैं, फिर खाते हैं। और मैंने भी डाल लिया है एक गौरव का आम, एक मेरा, तो मैं तो वही इसको काट के खाऊंगी। प्लेट लेके जाती हूँ और रोटी वही है। उफ 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 क्या कौन कौन है? नहीं शायद, लगा दो देख लेंगे जो भी है। अब लगेगा हमारा कपिल शर्मा शो विथ डिनर।